नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, आज मैं लिविंग रूम में मैंने वीडियो बना रही हूँ। आ गई मेरी ब्राउनी। मैंने आज वीडियो बनाया है। आज बैसाखी है, आज पहला बैशाख है, आज गुड़ी पड़वा है, तो बहुत पावन दिन है। तो मैंने सोचा कि इस पावन दिन में मैं भी थोड़ी सी शामिल हो जाती हूँ। और आज मेरा अटायर, मेरा लुक्स जो है, बिल्कुल जो आप लोग मुझे बंगाली लुक्स में देखना पसंद करते हैं, तो बंगाली सुहागन लुक्स में है। जी हाँ, ये देखिए, मैं दोनों हाथ नहीं दिखा सकती क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा है। तो ये है शाखा, पौला, सिंदूर, एकदम टिपिकल बंगाली जो गृहिणी होती है वो ऐसा लुक। और ये है मेरा सोने का लॉकेट। मैंने परफॉर्मेंस भी किया है, लेकिन आई एम सॉरी, आज मैंने बंगाली गाने पर परफॉर्मेंस किया है। आई होप आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि म्यूज़िक की कोई बाउंड्री नहीं होती, म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। और 365 दिन ही मैं करती हूँ हिंदी गानों पे और इंग्लिश गानों पे, लेकिन आज सोचा कि मेरे बंगाली भाई बहनों के लिए, जो हर वक्त खुद को वंचित समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में बार बार बोलती हूँ, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में बंगाली बोलना मुझे थोड़े से डर दिलाती है, क्योंकि एक सुनी सीखी हुई चीज़ें और थ्रू एजुकेशनल सीखी हुई चीज़ों में फ़र्क है। इंग्लिश और हिंदी मैंने पढ़ाई के दौरान सीखी हुई है, और लेकिन बंगाली कहीं कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैंने सीखा नहीं है, और ना ही मेरे घर में कभी कोई चलन था बंगाली का। तो इन दैट केस I feel little clumsy in speaking in Bengali. जी हाँ, मैं लोगों से बंगाली में बात करती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अगर गलत बंगाली बोलूँगी वो मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँ तो सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग मुझे नहीं बख्शेंगे। तो आप लोग मनाइए, आज शुभ दिन है, बहुत ज़्यादा शुभ दिन है आज हमारे बंगाली में, यहाँ पंजाबी भाई बहनों के लिए या हमारे मराठी भाई बहनों के लिए। मुझे मालूम नहीं, शायद और भी कोई किसी स्टेट में, किसी रीजन में आज नए कैलेंडर का होगा, स्टेट वाइज, रीजन वाइज। तो हमारे लिए एक बहुत ऑस्पिशियस डे है। इसके बाद आएगा एक अक्षय तृतीया, वो भी हम सभी के लिए एक बहुत, पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी ऑस्पिशियस डे है अक्षय तृतीया। मेरी माँ कहा करती थी कि पहला बैशाख से ज़्यादा ऑस्पिशियस डे है अक्षय तृतीया। तो पता नहीं, मेरे यहाँ अभी बरसी का समय चल रहा है। मैंने कहा था कि मेरे रिलेटिव गुजर गए हैं, अभी वो बरसी की पूजा नहीं है। वरना आप लोग मेरे जो पहले से प्रियंका चौधरी के पेज से रिलेटेड है, वो लोग जानते हैं कि इस दिन मैं अपने दुकान का हालखाता करती हूँ, जिसे कहते हैं हालखाता करती हूँ, और मैं मंदिर भी जाती हूँ। ज़्यादातर मैं साईं बाबा के मंदिर में जाती थी, मुझे हमारे घर के सामने अराउंड 30 मिनट्स की दूरी है। बहुत सुंदर साईं बाबा का मंदिर है और मुझे बहुत शांति मिलती है, और मैं तहे दिल से साईं बाबा की भक्त हूँ। मेरे घर में भी साईं बाबा की फ़ोटोज़ है, और मेरे जो पहचान वाले दीदी है वो गए थे शिरडी में, तो मेरे लिए वह तस्वीर ले आई थी, क्योंकि वो लोग सभी जानते हैं कि मैं कितनी रिलीजियस मेंटेलिटी की हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजियन। मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं इस्लाम में भी बिलीव करती हूँ, जिन जिन रिलीजन में अच्छी बातें, मैं गुरुद्वारा भी जाती हूँ मत्था टेकने के लिए, और मत्था टेकने से ज़्यादा है वो जो हलवा है वो प्रसाद खाना बहुत पसंद रखता है। और पंजाबियों से ज़्यादा कनेक्टिविटी इसलिए है क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड में पंजाबियाँ इन वॉल्यूम में होती है, तो उसमें अच्छा कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, तो जीशु के साथ तो एक अलग सा एक रैपो रहता ही है, और बंगाली फैमिली में पैदा हुई हूँ तो वो तो रहेगा ही। तो मुझे सब देवी देवता, सब भगवान, सब रिलीजन से मुझे बहुत स्नेह प्यार है, और मैं जब भी दुविधा में पड़ती हूँ तो मैं सभी को याद करती हूँ, सभी मेरी दुआ कबूल करते हैं। आप लोग भी अच्छे रहें। और जी नहीं, आज हमारे घर में कोई नॉनवेज नहीं होता है। मैं जानती हूँ पहला बैशाख के दिन सभी के घर में बहुत सारे नॉनवेज होता है, मटन, चिकन वगैरह। चिकन तो बिल्कुल नहीं होता हमारे घर में, ब्राह्मण है, ट्रू ब्राह्मण है, और घर में प्रतिष्ठित नारायण शिला है, नारायण की पूजा होती है, लड्डू
दादू गोपाल जी है, तो हम लोग चिकन से दूर है। हाँ, बाहर कभी ना कभी शादी वगैरह में खाना पड़ता है, लेकिन हम पानी का टब रख देते हैं, मैं गैराज पास में रख देते हैं, पूरा नहा के फिर आते हैं। मजबूरी है, वो उस टाइम में खाना पड़ता है। अदर देन दैट मेरे घर में ये सब नहीं होता है। और मटन साल में किसी किसी त्यौहार में होता है, अदर देन दैट। हाँ, अंडा फिश चलता है, लेकिन आज के दिन में प्याज लहसुन का भी कोई चर्चा नहीं है। तो एक पावन दिन, ये 1 जनवरी को में भी होता है, मतलब कल्पतरु उत्सव होता है। तो रिचुअल्स अनुजाई मैं, अगर मैं ट्रू ब्राह्मण जब हूँ, मैं खून से जेनेटिकली ट्रू ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का ओरिजिनल जो रिचुअल्स होता है, जो आजकल के चलते ब्राह्मण लोग भूल चुके हैं, तो मैं वो रिचुअल्स फॉलो करना पसंद करती हूँ। हाँ, वो रिचुअल्स मेरे माता पिता भी नहीं फॉलो करते, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी भी पावन दिन में किसी प्राणी या जीव हत्या के ऊपर खाना खा के अपनी मौज मस्ती को करना, एक्सप्लोर करना मुझे पसंद नहीं है। मेरी सोच शायद देहाती होगी, मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मेरी सोच शायद देहाती होगी, तो होगी होगी। मैं जैसी हूँ उसी में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, और भगवान का आशीर्वाद रहता है और आप लोगों का साथ दुआ तो रहती है। प्लीज़ मेरे पोस्ट को देखिएगा, इंस्टाग्राम में होगा, मेरे फ़ैन पेज में होगा, मेरे फेसबुक में होगा, मेरे यूट्यूब में होगा, सब जगह पोस्ट होगा, होता रहेगा, टाइम रहेगा थोड़ा। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द सब कुछ अपलोड करने के लिए, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग अच्छे से खुशी से शांति से मनाइएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो के लिए आज रखती हूँ, आप लोग अच्छे रहे, टाटा।